बढ़िया हमने एकदम मस्त। इसमें इसे बैठिए और हाथ से अपने पूरी बॉडी को उठाना होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 13th February और हम लोग सुबह उठ गए हैं, 7 बज रहे हैं। सॉरी, ये देखिए 7:01। और सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं मम्मी को लाने के लिए, क्योंकि मम्मी आ रही है पुणे से, तो हम उनको लेने जा रहे हैं बस स्टैंड। मम्मी को हमने फोन किया था तो मम्मी सो ही रही थी, तो हमने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फिर आशु ने बस वाले को कॉल करके पूछा कि कितना टाइम लगेगा। शायद 6:30 टाइम था यहाँ पे पहुँचने का, बट वो 1 घंटे लेट है, तो होपफुली हम लोग भी 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे साथ। आधे घंटे लगेंगे पहुँचने में। हाँ, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अच्छा हुआ जो थोड़ा सा लेट हो गई बस क्योंकि हम भी कल सोने में लेट हो गए थे। सो चलते हैं, लेट्स गो। दिख जाएंगे बस हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे आके बहुत सारा बस लग गया है। हाँ, ये रहा मैं, यहीं पे हूँगी मैं, उतरू अंदर हूँगी मम्मी। मम्मी को ढूंढने चलते हैं। I'm searching my mom. The way already reached. Nee, already reached. Where are you came from? She's from Pune. She is ek second nearby Sandhya Residency. Where Sandhya is? Residency. Thank you. Okay. और ये मम्मी पहुंच गई है। चलो। चलिए मम्मी। तो हम लोग आगे घर जा रहे हैं अभी। गाड़ी कितना गंदा रहता है। बताइए मम्मी, आपका जर्नी कैसा रहा? रात भर क्या किए आप? रात भर सोते रहे यार। लेकिन आपको तो बस में नींद नहीं आती है। नींद नहीं आवे तो क्या कर पाते, नींद तो आना ही है। बस में तो मूवी चलते हैं। आप मूवी नहीं देखी ना? इसमें मूवी कहाँ चलता है, सब लोग ऐसी स्लीपर में रहते हैं तो ओके, सब अंदर रहिए। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, मैं भूल गई लगाना। ओके, फिर हम लोग घर जा रहे हैं। मिनी मेजर आपका वेट कर रहा है, बोल रहा है मम्मी का स्वागत करेंगे पान पराग के साथ। पान पराग? हाँ, बरातियों का स्वागत करेंगे पान पराग के साथ, एक ऐड आता था ना, तो मिनी मेजर बोल रहा है आपका स्वागत करेंगे पान पराग के साथ। भागेगा हमसे? नहीं भागेगा, नहीं नहीं भागेगा। और हम लोग पहुंच गए घर। मेरे को भी दिखाओ। ओ, मैं भी आया हूँ। आशु भी आया है, ड्राइवर। घर में पौधा लगा रखे। हाँ, इन्होंने लगा रखे, यहाँ भी लगाए थे, लेकिन हवा ज्यादा चलते मर रहा। पता है, इतना बहुत सारा पौधा लगाई थी मैं, लेकिन ना इतना हवा चलता है कि सारा पौधा खराब हो गया। इधर से बहुत तेज हवा आता है। मिनी देखिए मम्मी, मिनी लाइट काट दिए। नहीं, यही पे होगी। नहीं आई है? आई हुई है। मिनी आ गई। मम्मी को पहले बताऊंगा। आप आइए, आप आइए। मम्मी देखिए, ये देखो मिनी वेट कर रही है। कौन आया बेटा? पान पराग लाई? कौन आया थे? तो मैंने कपड़ा डाल रखा है। ये नहीं, ये खोली ना। निकाल दूंगी, आप छोड़ दीजिए। मैं निकाल दूंगी, निकाल दूंगी, निकाल दूंगी। हम इसको देख ही नहीं सकते, सुखल पत्ता वाला हटाना थे। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। ये देखिए दूसरा बालकनी। इसमें जेट प्लांट है। हाँ, इसमें लगाई हूँ क्योंकि मिनी ऊपर पहुंच नहीं पाती ना, तो बच गया। क्या हुआ?
क्या कर रही हो तुम? उसको लटकना है। क्या हो गया बेटा? यो अच्छा आपको आता है? मम्मी मुझे ये कैसा लग रहा है? मम्मी कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट है, बोरा है। आप अकेली जा रही है? हम लोग नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, मम्मी को पहला भेज रहे हूँ फर्स्ट। हाँ सबसे पहले मम्मी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, मम्मी को पहले भेज के मम्मी देख लो कैसा है। कैसा लगा मम्मी? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। बताते रहे पायलट कैसे ही, चाहे कितना ही बड़ा है एरोप्लेन क्यों नहीं है। हाँ। और कॉकपिट से सब इसी तरह से दिखता है। और बहुत एंजॉयमेंट है इसमें। बढ़िया है मम्मी, एकदम मस्त आग। अरे कितने प्यारी है। ओ लो इधर लो, इधर लो। विंटर सिंह क्या खा रहा है? ट्रीट। कौन खिला रहा है विंटर सिंह? मम्मी खिला रही है ट्रीट। बहुत मन से देखो ना, सब बारी बारी से खा रहा दोनों। मम्मी मेरे भी आपके साथ जाने के लिए रेडी हो जाए ना। बता रही हूँ चाहिए नीरू को। मम्मी मेजर को नीरू लेते नहीं। मछली के काट करके एकदम कच्चे के सुखाया हुआ है। नहीं जाइएगा मतलब कि आप जाएगा ही मेजर उधर रहेगा। आज हम लोग लेकर आए हैं मम्मी को लेके महादेवपुरा लेक। ठीक है दिखाता हूँ, ये देखिए पानी आ रहा है। नहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस साइड है, वहाँ पे साफ होता है पानी और यहाँ पे लेक पे जाता है। और ये सब जो एरियाज है ना, ये नेचुरली क्लीन करने के लिए, तो जैसे बैक्टीरिया सब बच जाते हैं ना पानी में और सब चीज़ें, तो सब नेचुरली क्लीन हो जाता है प्लांट से और सब चीज़ नेचुरल गंदगी है। ये हम पहले जाते थे, अब लॉक हो गया है। बीच में जाता है यहाँ पे, दो टाइम खुलता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये देखिए बादाम का पेड़ मम्मी। हाँ ये बादाम का है। नहीं नहीं हम बस जानते हैं बादाम का है। बादाम का पेड़ अपने सोसाइटी में भी बहुत सारे हैं। सुनो शाम में नहीं छोड़ते उसको, पता ही नहीं। इसे मछली पालते हैं। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए लेक बेड है ना, ऊपर प्लांट लगा रखे हैं जानबूझ के ताकि वो
पानी को क्लीन करके रखे। वो सेडिमेंटेशन टैंक है, वो डाइवर्जन चैनल है, और वो है पता नहीं अपस्ट्रीम इनटेक चैनल। यहाँ देखिए ऐसे सेपरेट होता है, एरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक बैफल्ड रिएक्टर, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं और वो पानी को क्लीन करना शुरू करता है। ये देखिए ये सब नाली का पानी है ना, देखिए लेक का पानी बिल्कुल गंदा नहीं दिखता, लेकिन गंदा ही है, मतलब उस टाइप की गंदगी नहीं है जो कि हार्म करे, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखता है ये सब लेक। बेंगलोर में कितना लेक है पता है, कितना था 168, हाँ 180 के आसपास लेक है। ये देखिए गंदा पानी जा रहा है यहाँ से और वहाँ जाके रिलीज हो जाता है वहाँ प्लांट बेड से, यहाँ से गंदा जाता है थोड़ा सा, मतलब पूरी गंदगी नहीं साफ होती, यहाँ से जाता है और प्लांट से साफ होते हुए वहाँ तक निकल जाता है। लेकिन ज़्यादा गंदगी नहीं बचती, जितना गंदा आता है ना वो उतना गंदा नहीं रिलीज होता, सब क्लीन होकर। ये देखिए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये सब। तो ये एक तरह से कुछ नेचुरल होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैन मेड भी हैं, मतलब जो कि मर गए हैं लेकिन उन लेक्स को बचा रखा है। यहाँ मछली रहती है इसलिए चिड़ियाँ भी आती हैं, बगलार ये सब सब फिशिंग भी होती है थोड़ी थोड़ी सी। गंदा पानी नहीं छोड़ते हैं। क्या करता है कि जैसे फ्लश में करना है तो जो पानी साफ हो जाता है अच्छा तरह से, मतलब पूरा तो साफ नहीं हो पाता है लेकिन जो साफ हो जाता है उसको फ्लश वाला में डाल देते हैं, फ्लशिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे जो पानी मतलब थोड़ा जो रह गया भारी कुछ मटेरियल जैसे मिट्टी उट्टी जमा हुआ उसको बाहर कर देते हैं और फिर थोड़ा देर में उसको पसार करके उसमें प्लांट लगा देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा गंदा है उसको ट्रक के द्वारा बाहर, पानी उसी रिसाइकिल होते रहता है। फोन पे लगी हुई है। हाँ मैं यहाँ पे ऑफिस का काम कर रही है। ये टेक पार्क है, टेक पार्क सिंपल कंपनी का। मम्मी को थका दोगी तुम। करो 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 उठाओ अपने आपको। इसमें बैठिए और हाथ से अपने पूरी बॉडी को उठाना होता है, नहीं ऐसे इसको पकड़िए, हाँ दूसरा हाथ, हाँ वैसे। अब उसको धकेल के अपने बॉडी को उठाइए, स्ट्रेट बैठी ना मम्मी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ, करके दिखाऊं।
ऐसे है, ये ऐसे ऐसे। हाँ तो वजन उठाना पड़ता है। हाँ इसलिए ताकत लगता है। नहीं मम्मी थोड़ी 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 ना ठंडा तो नहीं देखो। हाँ ठीक है बस बस मम्मी ताकत मत लगाइए आराम से। ताकत नहीं लगता इसमें पीछे से चलाता है। ओके ये खाली पकड़ ले रहा है देखो। बस हमको नहीं आता साइकिल चलाने ये गिर जाएंगे। आप आइए मम्मी जी। नहीं पूरा घुमाएंगे। हाँ ठीक है ये पैर में दर्द करवा दोगी मम्मी क्या आज इतना एक्सरसाइज कर लेंगे एक दिन में तो पहले ओके तुम छोड़ो फिर आगे तो कुछ नहीं है। मम्मी कैसा लगा पार्क? पार्क नहीं मतलब लेक। मम्मी ने अपना जगह ढूंढ लिया बैठने के लिए। मम्मी कंफर्टेबल होके बैठ रही है। हाँ ये देखिए ये वाला एरिया है दीवाने खास का जहाँ मम्मी खड़ी है सबको अटेंड करने के लिए। और ये जो एरिया है जहाँ पे कॉमन जनता खड़ी है भावना वो दीवाने आम का है। देखो कितना कुरकुरा बना है ठेकुआ। देखो मेरा। हाँ देखो मेरा ठेकुआ खा करके पिज्जा बना है। आज से 18 फरवरी और आज मम्मी जा रही है पटना तो हम लोग मम्मी को ड्रॉप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट बैंगलोर एयरपोर्ट। मैं आपको बैंगलोर एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी बहुत सुंदर है। तो आज मम्मी जा रही है कैसा लग रहा है मम्मी आपको वापस जाकर पहुँचने का वाला पटना जाने का खुशी और कुछ तुम लोग से बिछाने का बात बराबर। और मिनी मेजर है मिनी मेजर को तो बहुत मिस करूंगी। सोच के आई थी कि क्या बिल्ली बिल्ली पाल करके रखी है। मम्मी पहले हमेशा बोलती थी क्या बिल्ली पाल के रखी है लेकिन जब मम्मी आई तो मम्मी को भी पसंद आ गया दोनों को मिनी मेजर। बिल्ली जैसी है नहीं प्यारी प्यारी है बिहार में पालते नहीं है अच्छा भी नहीं मानते हैं। नहीं ये बिल्ली घरेलू बिल्ली जैसी है पालने वाली ही बिल्ली है और घर में रहने वाली दोनों बहुत अच्छे हैं ना। हाँ दोनों बहुत अच्छे हैं प्यारे। मम्मी जो बैग पैक कर रही थी तो
और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, गाड़ी आ गए हैं लगाने पार्किंग में। जनरली मेरे को यहाँ पे मिल जाता है खाने, इसलिए मैं यहाँ ले आया। चाबी से क्या मतलब है? सीट पर से जाता है। चाबी है ना आपके पास? चाबी नहीं रहेगा तो खुलेगा कैसे? थोड़ी एक और नहीं खुलेगा। ये चाइनीज वाला नहीं है मम्मी, तभी तो मैं मांग रहा था। तो मेरे को लगा निकला होगा ऐसे। मम्मी मेरे को ये ताला लॉक करने बोल रही है बिना चाबी के। चलिए मम्मी चलो कैसा लग रहा है मम्मी? लीजिए आपके लिए एक बार और चेक कर लेता हूँ। हमारी मम्मी ने मेरे को पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि बाद में चेक करने मत आना। तो तुम ये भी बताओ ना, तुम बार बार आते हो चेक करने? मैं भूल जाता हूँ, मैं छुट्टी पर किसी से भी इतना दूसरा अपने नंबर। ओहो, मैं बस सारी चीज़ याद रखता हूँ। इन पूरे दिनों में हमने रिकॉर्ड, मम्मी जितना साल भर चली होंगी उतना हमने इन दिनों में चला दिया। पाँच दिन कल मार्केट के तीन चक्कर काटे हमने, क्योंकि हमें याद नहीं था कि कार कहाँ पार्क हुई है। नहीं, पार्किंग का अगर ये तो याद ही था, जब हम गए थे तो कोई मार्केट नहीं लगा हुआ था, जब हम वापस आने लगे तो इतना ज्यादा मार्केट था कि हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, क्योंकि जब हम गए थे तो दोपहर तक कुछ भी नहीं था, समझ भी नहीं आता कौन से था। तो आधा घंटा चलवाया मम्मी को, फिर मम्मी बोलती है लास्ट में ऑटो ले लो गाड़ी खोजने के लिए, गाड़ी खोजने के लिए ऑटो ले लो। हाँ ये वाला नहीं था, ये लड़की का फोन है ना? मेरा फोन तो तुम्हारे पास है। मेरा फोन नहीं, वो मेरे पास बेब को बना रहा हूँ, उसी के पास है मेरा। आइएगा मम्मी तो बताइए। उसे वो पानी ले पानी रख लीजिए मम्मी। हाँ ये भी रख ली, दोनों आप ही हम ले लेंगे। अरे बता से मम्मी का ही जाना पड़ेगा। चलिए हम बाय बाय, जल्दी आइएगा फिर से। हाँ ठीक, पापा के साथ आइएगा। ओके बेटा। मम्मी बाय बाय। मैं पियर बाय बाय।